अंकुश लगाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। वही ताबड़तोड़ हो रही पुलिसिया कार्रवाई के बाद अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। गुरुवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बड़े मामलों का खुलासा किया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 10 अक्टूबर को सबौर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक नीलेश कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वही सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने शहर में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। उन्होंने बताया कि विगत एक माह में 21 बाइक बरामद करते हुए 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एएसपी शुभम आर्य समेत कई थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। घटनाओं का हम लोग खुलासा करने वाले हैं। 10 तारीख की रात्रि में जीरो माइल थाना अंतर्गत एक ई रिक्शा चालक की हथियार के दम पर कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा ई रिक्शा को लूट लिया गया था। इसमें जीरो माइल थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा को बरामद किया गया है। और घटना में संलिप्त कुल 5 लोग हैं, उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ई रिक्शा को बरामद करके और इन 4 लोगों से पूछताछ आगे जारी है। दूसरा खुलासा हम लोग करने वाले, इधर विगत कुछ महीनों में शहर में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी थी। आप पत्रकार महोदय के द्वारा भी इस मामले को हम लोगों के नोटिस में लाया गया था। इसके लिए पूरे शहर के जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, इनकी एक टीम बनाई गई थी कि बाइक चोरों पर हम लोग काम करें। और इसी क्रम में पिछले एक महीने में कुल 21 बाइक की बरामदगी की गई है और 17 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के हाथ, जिसमें से एक गैंग का उद्भेदन किया गया है। उनके पास से करीब 7 बाइक, महंगी बाइकों का को रिकवर किया गया है। ये तीनों लड़के अलग अलग जीरो से बाइक चोरी कर भागलपुर में बेचा करते थे और भागलपुर से भी कुछ बाइक चोरी करके दूसरे जीरो में बेचा करते थे। अलग अलग जगहों से इन बाइक को बरामद किया गया है। कुल करीब 7 बाइक हैं, 3 गिरफ्तारी है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले एक महीने में कुल 21 बाइक को बरामद किया गया है, सभी चोरी की बाइक हैं और इस इनमें संलिप्त 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन तीनों का नाम आशीष कुमार जो थाना सबौर बंसी टिकर का रहने वाला है, दूसरा रूपेश कुमार मधुसूदनपुर थाना मनियारपुर का रहने वाला है, तीसरा राहुल कुमार मधुसूदनपुर थाना मनियारपुर का रहने वाला है। सर किन जिलों में चोरी की? इसमें जो बाइक मिली है उसमें से 3 रजिस्ट्रेशन नंबर भागलपुर का है, एक यामाहा FZ महंगी बाइक है, ये पटना जिले की बाइक है, और एक BR-51 जो कि बांका जिले का है, BR-38 ये अररिया जिले का है। और भी हम लोग देख रहे हैं कि बाकी भी जो बाइक आई उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर DTO ऑफिस से सत्यापन कर उसका जो एक्चुअल ऑनर है उनको विधिवत सुपुर्द कराया जाएगा। निकाय में अति पिछड़ी जाति के लोगों को दिया गया आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP आमने सामने हो गई है। गुरुवार को बिहार के सभी मुख्यालय पर JDU की ओर से BJP के खिलाफ धरना का आयोजन किया गया। भागलपुर समाहरणालय परिसर के सामने सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि BJP हमेशा आरक्षण विरोधी रही है। उन्होंने बताया कि BJP का दूसरा नाम भारतीय झूठा पार्टी है, ये चाहती है कि 100 बार एक ही बात को झूठ बोलो कि लोग इसे सच मान जाए, और इसी के तहत नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा के आरक्षण को खत्म करने का काम किया गया। विधायक ललित नारायण ने कहा कि यह केंद्र सरकार की साजिश के तहत हुआ है। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय में अति पिछड़ी जाति के लोगों को दिया गया आरक्षण खत्म करने का फैसला दिया है, जिसके बाद JDU इस फैसले को BJP की साजिश बता रही है। वही नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, अखिलेश सिंह निषाद समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि धरना BJP की पोल खोलने के लिए रखा गया है। ये धरना जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जनता दल यूनाइटेड द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में एक रूप से धरना किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता को ये बताना कि भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है। इसका सीधे उदाहरण है नगर निकाय के चुनाव में जो एक महत्व दलित के लिए और खास करके अति पिछड़ा का जो आरक्षण का जो हरण किया जा रहा है इसके पीछे भाजपा है, ये बात हम लोग को बतानी है।
भाजपा खुशी मना रहा है, जबकि आरक्षण खत्म होने से उसको दुखी होना चाहिए। गुजरात में इसी आधार पर चुनाव हुआ था और 2006 से अब तक कई बार बिहार में चुनाव नगर निकाय का हो चुका है, पंचायत का चुनाव हो चुका है। उस वक्त इस पर कोई रोक नहीं था, आज भाजपा अलग होते ही इस पर रोक लग गया। सीधा अर्थ है भाजपा की सारे प्रसारित ये हो रहा है। इसलिए हम जनता को बताना चाहती है हमारी पार्टी कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है और माने ओबीसी विरोधी है और अति पिछड़ा विरोधी है। यही बताने का उद्देश्य हमारा पार्टी है। जितना बात तो बोलना था बोल, अति पिछड़े पर शासन कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अति पिछड़े के बल पर शासन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी जी, सब अति पिछड़े के बल पर। और जहां भी रैली होती है तो अति पिछड़ा के लोग ही भरने का काम करता है, सब काम अति पिछड़ा से होता है। और अति पिछड़े का आरक्षण ले रहा है तो ये ले रहा है, वो ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भरपूर इसका विरोध करता हूँ। किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ रहे हैं, देखने रहे हैं कैसी लड़ाई लड़ रही है। धरना के माध्यम से महात्मा गांधी की स्टाइल में लड़ा, लाठी डांग थोड़ो हम लोग उठाने वाले हैं, हम लोग सत्ताधारी पक्ष के लोग इसी तरह लड़ाई लड़ेंगे। अति पिछड़ा समाज को इस आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको बताएंगे? अति पिछड़ा हम लोगों का दुरुस्त आदमी है, अति पिछड़ा सजग है, ऐसे देश में राज थोड़ा तो पिछड़ा पर चल रहा है, राज में सब कुछ में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह सब मुँह फैलाया है, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। मात्र भारतीय जनता पार्टी बच गई है बिहार में, बाकी सभी पार्टी एक साथ है। भाजपा तो कह रही नीतीश कुमार ही अति पिछड़ा विरोधी है। अति पिछड़ा विरोधी आरक्षण दिया थी नीतीश कुमार ने, विरोधी है हो गया, वह अफवाह फैलाता है नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए। सत्ता से हटने के बाद लूटने का जो काम था, सत्ता से हटने के बाद वो बौखला गया, उससे कुछ बयान दे रहा। अति पिछड़ा कितना बड़ा समाज है, मगर अपने क्षेत्र में अति पिछड़े का मंत्री बहुत कम है इस बार के। अरे अति पिछड़ा का सचेतक है ना भाई, इन लोग तो मंत्री बनना चाह रहे थे। मंत्री है, विभाग नहीं मिला है। अरे ठगने वाला चीज नहीं मिला है, बाकी हर फैसिलिटी मंत्री है। भारत के प्रख्यात हार्ट सर्जन पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद बुधवार को भागलपुर पहुंचे। अंग प्रदेश की धरती पर प्रोफेसर जगदीश प्रसाद का स्वागत SC/ST संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार एवं सदस्यों ने बुके देकर किया। वहीं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा कि भागलपुर आने का उनका उद्देश्य अपने लोगों से मिलना है। देश में चल रही आरक्षण नीतियों के सवाल पर डॉक्टर जगदीश ने कहा कि भारत के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता जरूरी है। उन्होंने SC/ST और अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर चिंता जताई। इस अवसर पर संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता और सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर आने का उद्देश्य है कि अपने लोगों से मिलना, पहला उद्देश्य तो है। और भागलपुर हम बेगूसराय होते हुए आए, तो बेगूसराय में हम वेलफेयर हॉस्टल में गए और अपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों से बातचीत किया और उनको हमने मोटिवेट किया, कैरियर मोटिवेशन, और फिर हमने उसको हाउ टू डेवलप द पर्सनालिटी वो सब बातें की, उनको इनकरेज किया कि गरीब कोई रीजन नहीं होता है, कोई कॉज नहीं होता। और वहाँ से आने के बाद भागलपुर में हमारा आने का उद्देश्य एक तो लोगों से मिलना था, दूसरी बात यह है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। भागलपुर के लिए फ्यूचर प्लान थे, भागलपुर में मेडिकल कॉलेज बना। भागलपुर में मैं चाहूँगा कि खास करके हमारे जो अभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी संघ हैं, ये बच्चों को जाकर के बीच बीच में वेलफेयर हॉस्टल में जाकर के बच्चों को प्रोत्साहन दें, बच्चों को इनकरेज करें। और मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी अपने गाँव में एक एक गाँव एडॉप्ट करें और वहाँ के महिलाओं को पढ़ाएं। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ सबों से कि एक से दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए।
भागलपुर के ख्याति प्राप्त शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह भारत सरकार के प्रमुख उपक्रम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार समिति सदस्य बनाए गए हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह पूर्वी बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने सूबे में नवजात शिशु एवं बच्चों के इलाज को नई ऊंचाई दी। वही प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने FCI के मेंबर बनने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यों के कारण ही उन्हें FCI जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। वही बिहार इकाई के सदस्य बनने पर डॉक्टर अजय का स्वागत लोगों ने भूखे देकर किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए खाद्य भंडारण और वितरण में अपना सुझाव रखने की बात कही। हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमें FCI का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया है और हमें बिहार का चार्ज भी दिया गया है। बिहार में जो सदस्यगण होते हैं सलाहकार समिति के, उसको हमको बिहार शाखा में दिया गया है। इस अवसर पर हमें इतना कहना है कि हमने जो काम किया है सोसाइटी के लिए, जनता के लिए, उसी का नतीजा है कि उसी के एवज में हमें सिलेक्ट किया गया। इसमें जो भी हमने नॉमिनेशन किया और हमें उसको दिया गया यह पोस्ट, तो यह किसानों का मामला है, आम जनता का मामला है, गरीबों का मामला है और इसमें जो खाद्यान्न जो होता है उसका रख रखाव परिवहन के द्वारा ढोने का, उसको खराब होने का और डिस्ट्रीब्यूशन सारे सिस्टम पर जो भी कार्य होते हैं उस पर सलाहकार बैठ के इसको मंत्रणा करते हैं कि किस तरह से कम क्षति हो और लाभांश जो है उसका लाभुक को मैक्सिमम मिल सके और सुचित रूप से, सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से वह सुविधा मिल सके। तो हमें बहुत खुशी है। मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें से हमारे मित्रगण हैं, सोसाइटी के सदस्य हैं, शुभेच्छु हैं, मीडिया के लोग हैं, तो सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो जिन्होंने हमें लगातार प्रोत्साहित किया हमारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए और हम निरंतर कार्य करते रहे अपने चिकित्सा सेवा के बावजूद, तो उसी का परिणाम है। और हमें खुशी है कि इस संबंध में भंडारण से लेके लोगों तक अनाज पहुंचने में हमारा राय लिया जाएगा और हमारी जो कुछ सोच है इस संबंध में वो आगे हम लोग बता सकेंगे और हो सकता है कि कुछ नए तरह का उसमें हम बदलाव करा पाने में सक्षम होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा डॉक्टर अजय सर को भारतीय खाद्य निगम में सलाहकार मनोनीत होने पर। और ये मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे भागलपुर में, बहुत कम ही लोग ऐसा मतलब नहीं जानते होंगे भागलपुर में कि सर ने जो भी बदलाव किए हैं या जो भी जीवन सुरक्षा को लेकर सोसाइटी के अंतर्गत जो भी काम हुआ है भागलपुर में, ये सबको पता है किस तरह के काम हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है और ये उसी का नतीजा है कि आज ये पद सर को मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एक बार फिर से। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप लोग खुद देखते होंगे या आप लोगों ने इसका मतलब रिपोर्टिंग भी किया होगा कभी ना कभी कि आपने देखा होगा कई टन अनाज सड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग नहीं है जो कि सही सलाह दे सकें कि भाई इनका भंडारण कैसे होना चाहिए, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना चाहिए, इनका और जो मतलब चीजें हैं इसके अंतर्गत वो सब चीजें किस तरह से सुचारू रूप से होनी चाहिए। तो ये एक जरूर पॉजिटिव वे में जाएगा जब सर को ये पदवी मिला है, तो जो ये सब चीजें वो बर्बादी हो रही थी ये सब चीजें नहीं होंगी, इसके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा था वो सब काफी हद तक रुकेगा। ठीक है। भागलपुर नगर निगम अतिक्रमण दस्ता ने गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण कार्यों के बीच अफरा तफरी की स्थिति रही। निगम की ओर से डिक्शन मोड़ से स्टेशन रोड तक अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे ठेला घुमटी लगाने वालों को भी हटाया गया। वहीं कई दुकानदार पहले ही अपना सामान समेट कर निकल गए। इसके अलावा कुछ दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया, साथ ही दुकानदारों के दुकान के बाहर सड़क पर सामान रखने को मना किया गया। गौरतलब है कि शहर की सड़क पर अतिक्रमण के कारण अक्सर सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको देखते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि निगम की टीम के लौटने के बाद अतिक्रमणकारी वापस सड़क पर आकर दुकान लगा लेते हैं।
इलेक्शन रोड से शुरू हुआ था और नैयापुर के नीचे होते हुए आपका स्टेशन चौक पूरा साफ करते हुए बुरहाटा चौक तक जाए सर किसी का फाइन भी कटाया गया सर? हाँ, फाइन कटाया गया। जो लोग हटा नहीं पाए समय पे तो उनका फाइन कटा। अच्छा, क्या अपील कीजिएगा सर? ये लोग को समय समय पे जो दिशा निर्देश दिया जाता है भागलपुर प्रशासन की तरफ से, इसको फॉलो करना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए और अतिक्रमण नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, परिचय बता दीजिए सर। हम ऐसे लालमनी हुए सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जगदीशपुर के BCO ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर जगदीशपुर, आज रेडियो सर के द्वारा दंडाधिकारी के रूप में। हाथों में पूजा की थाली ये महापर्व लोग अपनी हर महिलाएं अपनी पत्नी पति के लिए लंबी आयु के लिए करती हैं। इसका क्या महत्व? हाँ, इसका क्या महत्व? इसका महत्व है कि जो है हमारे पति का लंबा उम्र रहे। आपका पर्व? यह पर्व अपने पतियों के लिए हर सुहागन औरत उनकी लंबी आयु के लिए रखती है और यह व्रत जो है सबसे पहले द्रौपदी ने अर्जुन के लिए रखा था और सब सुहागन जो है इसमें व्रत करती है और पति के लिए षष्ठी सवर्ती 16 श्रृंगार करके गौर करवा मैया का पूजा करती है। आपका नाम?